विषय है हमारे देश में कुल कितनी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज है। तो हमारे देश में कुल नेशनल लेवल की 7 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो मेरा विषय भी यही है। तो लीजिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। नंबर एक पे आती है भारतीय जनता पार्टी, और ये पार्टी सन 1980 में बनी, और इसे छोट में कहते हैं बीजेपी। नंबर दो पे आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में कहते हैं INC, और ये पार्टी सन 1885 में बनी। नंबर तीन पे आती है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इसे शॉर्ट में कहते हैं CPI-M, और ये पार्टी सन 1964 में बनी। उसके बाद नंबर चार पे आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसे कहते हैं CPI, और ये पार्टी सन 1925 में बनी। उसके बाद नंबर पांच पे आती है बहुजन समाज पार्टी, शॉर्ट में कहते हैं BSP, और ये पार्टी सन 1984 में बनी। उसके बाद नंबर छह पे आती है नेशनल कांग्रेस पार्टी, शॉर्ट में कहते हैं NCP, और ये पार्टी सन 1999 में बनी। उसके बाद नंबर सात पे आती है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, शॉर्ट में कहते हैं TMC, और ये पार्टी 1999 में बनी। भारत का निर्वाचन आयोग देश में चुनाव लड़ने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका पंजीकरण करता है। चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको राष्ट्रीय स्तर की या क्षेत्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी की मान्यता देता है। अन्य सभी दलों को पंजीकृत किया जाता है, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित करता है। निर्वाचन आयोग जिन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है उन दलों को कुछ विशेष अधिकार वो सुविधाएं प्रदान करता है ताकि वो निर्वाचन आयोग जिन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है उन राजनीतिक दलों को कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान करता है। इन पार्टीज को राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर पर टेलीविजन और रेडियो पर प्रसारण की अनुमति दे देता है ताकि वे अपनी बात को जनता के सामने ला सके। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता पाने की शर्तें। नंबर एक, यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती है। नंबर एक, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती है। नंबर दो, यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है। यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% से अधिक वोट प्राप्त करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। नंबर तीन, यदि कोई पार्टी 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता रखती है, यदि कोई पार्टी 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता रखती है तो इस तरह से निर्वाचन आयोग देश की पॉलिटिकल